हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज कोई ट्रिप नहीं है, बट आज एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या है। तो पहले तो हैं बैड न्यूज़। जो अपनी रेंज रोवर है उसका हो गया है एक्सीडेंट। तो यू कैन सी एक ट्रक वाले ने आके पीछे से गाड़ी मार दी है और जो पीछे का बम्पर है बिल्कुल टूट चुका है। और मैं ऑलरेडी इसको रिपोर्ट कर चुका हूँ कोलिजन सेंटर पे, तो पुलिस कंप्लेंट कर चुके हूँ। तो अब आगे का प्रोसेस जो है वो आपको बताते हैं। तो कुछ और भी काम है, जैसे कि फिल वॉशर फ्लूइड, तो वॉशर फ्लूइड लेकर के आना है। तो ये एरो दे रहा है। आज बाहर की कंडीशंस, वेदर कंडीशंस बहुत विंडी हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। तो बैड न्यूज़ तो हो गई है कि एक्सीडेंट हो गया है रेंज रोवर का। गुड न्यूज़ ये है कि किसी को चोट नहीं लगी, ना मुझे ना उस ट्रक ड्राइवर को। ऑब्वियसली ट्रक ड्राइवर को क्या चोट लगी थी, बट हुआ ऐसे कि मैं स्ट्रेट जा रहा था और सामने से जो ट्रक वाला आ रहा था उसको लेफ्ट ले रहा था। मैं इंटरसेक्शन बस क्रॉस करके क्रॉस किया ही था मैंने, इतने में वो ट्रक वाला लेफ्ट ले रहा था और वो लंबा ट्रक था, तो वो पीछे से जा कर के बिल्कुल बैक बम्पर पर आके लगा और उसने बम्पर तोड़ दिया पूरा का पूरा। तो हम लोग रुके, हमने अपनी डिटेल्स एक्सचेंज करी और उसके बाद मैंने जा कर के अपना कोलिजन सेंटर पे ये सारा कुछ लिखवाया और कंप्लेंट फाइल करी। उसके बाद फिर आगे जा कर के, तो ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये क्योंकि अब सेंसर काम नहीं कर रहे पीछे के, तो इसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है जो कि अब ठीक करवाना है। तो ऑटो सेंटर जा रहे हैं, जाके पता करते हैं कितना हो रहा है और क्या हो रहा है। तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आप फंसते हो तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको आराम से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। आपको दूसरे ड्राइवर से बात करनी है और उससे उसकी इंश्योरेंस डिटेल्स, गाड़ी के ओनरशिप के पेपर्स और ड्राइवर्स लाइसेंस इन सब की फ़ोटोग्राफ खींच करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। और उसके बाद आपको कोलिजन सेंटर में जा कर के सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या हुआ था एक्चुअली में। और मेरे साथ जो ऐसा हुआ, तो मैंने सबसे पहले 911 कॉल किया। 911 कॉल करके मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन बताई, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई इंजर्ड तो नहीं है, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत तो नहीं है, कोई पुलिस वाला तो नहीं है आपके पास, या आपको टोइंग वैन की ज़रूरत तो नहीं है, गाड़ी ड्राइवेबल कंडीशन में है कि नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप कोलिजन सेंटर जा कर के सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दो और आप वो सारी इन्फॉर्मेशन दो और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवा लो। तो वो सब कुछ किया है और फिर उसका इंश्योरेंस से बात की है, तो अभी इंश्योरेंस वालों के पास जा कर के गाड़ी दिखा करके आगे का प्रोसेस देखते हैं। ओके, तो इंश्योरेंस वालों से बात हो गई है, बट बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तो गाड़ी में बैठ करके आराम से कुछ समझाते कि हुआ क्या है। ओके, तो इंश्योरेंस वालों से बात हुई है और उन्होंने मेरी गाड़ी की फोटोग्राफ्स वगैरह खींच ली हैं सारी की सारी, जहाँ जहाँ पर बम्पर में वो सब हुआ है और पीछे गाड़ी में एक जगह पे उसके वाइट पेंट के भी निशान पड़े हुए हैं, तो वो सब उन्होंने फ़ोटो खींच लिए। उसके बाद उन्होंने मेरे से समझा पूरा कि हुआ क्या एग्जैक्टली, किस तरीके से हुआ है, और चीज़ें पूछी उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में कि विंटर टायर्स लगे कि नहीं लगे हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो सब पूछते हैं इंश्योरेंस के लिए। और उसके उससे मुझे समझाया कि जो आपकी इंश्योरेंस है उसमें मतलब क्या कंपोनेंट्स क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे उसमें तीन तरीके से इंश्योरेंस कवर करता है। एक जहाँ पर मैं किसी की गाड़ी में मार दूँ, मैं एट फॉल्ट हूँ, वो एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है जहाँ पर मेरी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए। और तीसरी कंडीशन है जहाँ पर कोई और मेरी गाड़ी में मार दे और मैं एट फॉल्ट नहीं हूँ। तो ये तीसरा सिनेरियो हुआ था जहाँ पर किसी और ने मेरी गाड़ी में मारा, पीछे से एक्चुअली लगी है, तो मेरी फॉल्ट कहीं से भी नहीं है। तो इस वाले इंश्योरेंस को वो लोग क्लेम करेंगे जिसमें मेरे को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। वो लोग दूसरे ट्रक वाले की इंश्योरेंस वाले से बात करेंगे और फिर ये आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एस्टिमेट जो उन्होंने मुझे बताया है वो है ऑलमोस्ट $4,500-4,500 का, और लगभग लगभग एक हफ्ते का टाइम मांगा है उन्होंने कि एक हफ्ते गाड़ी उनके पास रहेगी। तो मेरी इंश्योरेंस मुझे कवर करके देती है रेंटल कार, तो वो मुझे रेंटल कार प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने मुझे 4th of January का टाइम दिया है अपॉइंटमेंट, और उसमें एक हफ्ता लगेगा उसके बाद। और आज है 12th of December, तो ये पूरे महीना मुझे इसी तरह से काटना है फिलहाल गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी ड्राइवेबल कंडीशन में है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप गाड़ी ले जा सकते हो। तो
ठीक है, गाड़ी ठीक हो जाएगी, बट ये है कि अभी फ़िलहाल मुझे इस कंडीशन में गाड़ी चलानी है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम ख़राब हो रहा है और गाड़ी में वॉशर फ्लूड नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं पहले वॉशर फ्लूड ख़रीदने के लिए। और मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है और स्नो पड़ने के चांसेस हैं, तो हमको सॉल्ट भी ख़रीदना है। तो ये दो चीज़ें हैं जो अभी खरीदनी है। तो पहले वो फ्लूइड ले लेते, लिक्विड, और उससे गाड़ी में डाल देंगे। तो वो लिक्विड आपको कहीं भी मिल जाता है, किसी भी स्टोर में आप ले सकते हो। मैं वैसे गैस स्टेशन से लेता हूँ, तो मैं गैस स्टेशन आ गया हूँ, यहाँ से वो लिक्विड ले लेते हैं। तो यहाँ पर मिल रहा है, दो मिल रहे हैं $12 के, ये डालते हैं। ये है अपने -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑल सीजन विंडशील्ड वॉश। ओके, तो लिक्विड ले लिया है, अब बचा है सॉल्ट। एकदम बहुत हवा चल, बार बुरा हाल है, उफ, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये पहले दो आते थे तो ऑलमोस्ट $8-9 के, जो अब हो गए हैं $12 के। एनीवेज, चलो चलते हैं, अभी सॉल्ट ले लेते हैं। हम आ गए फ्रेशको में, यहाँ देखते हैं सॉल्ट मिल रहा है, और मिल रहा है तो कितने का मिल रहा है। यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है, विच इज़ फॉर $3.99, ले लेते हैं। ओके, तो चलते हैं, और फिर इसके बाद मुझे लिक्विड लेके आए हैं, वो गाड़ी में भरते हैं। ओके, तो लिक्विड इसे खोलते हैं और फिर इसे भर के। तो ये लिक्विड हम इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो पानी जम जाएगा और अंदर पाइप वाइप फटने का चांसेस है। ये जो लिक्विड है ये आपका -45 डिग्री तक जमता नहीं है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। और ये मुझसे खुल नहीं रहा है, हाथों ने काम नहीं किया तो मुझे कैंची लानी पड़ी। वाइला, पर्पल कलर का है। ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, हवा इतनी चल रही है। ओके, तो ये पूरा भर चुका है और थोड़ा सा इसमें रह गया है। डन, तो गाड़ी स्टार्ट करी है और बॉयलर चला गया है, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।